नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज हिडन सीक्रेट में। जी हाँ, नाम से ही यहाँ आप समझ गए कि हम यहाँ पर आज सीक्रेट्स खोलने आए हैं, यानी कि बॉलीवुड के हम अक्सर ही सीक्रेट्स यहाँ पे इस प्रोग्राम में खोलते हैं, तो वहीं यहाँ आज हम जिसके सीक्रेट्स खोलेंगे वो बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। जब वो खूबसूरती में अपने दौर में फिल्मों में दिखाई देती थी तब मानो हर कोई बस उन्हें देखता रहता था। जिस तरह से वो एक्टिंग करती थी, जिस तरह से वो डायलॉग बोलती थी, आज भी फैंस के मन में वो जगह बरकरार है। और जब वो मीडिया के कैमरों के सामने आज भी आती हैं तब यकीनन फैंस उनको देखते रह जाते हैं। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो एक्ट्रेस का नाम है अमृता सिंह। जी हाँ, अमृता सिंह बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रह चुकी हैं जिनकी बेहतर एक्टिंग और खूबसूरती का बॉलीवुड में हर कोई दीवाना रहा। भले ही फिल्मों में उन्होंने अब गैप ले लिया हो, भले ही बड़े पर्दे पर वो ना देखी जाती हो, मगर अब भी वो जिस तरह से अपनी बेटी को गाइड करती हैं वाकई ही काबिलियत तारीफ है। हर कोई जानता है कि अमृता सिंह का फिल्मी करियर काफी शानदार रहा था, मगर जब उन्होंने सैफ से शादी कर ली तब उन्होंने फिल्मों को टाटा बाय बाय कह दी। मगर आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि सैफ ही सिर्फ अमृता की जिंदगी में नहीं थे। जी हाँ, बॉलीवुड के कुछ ऐसे कलाकार कहें, बॉलीवुड के कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जिनसे अमृता सिंह का नाम जुड़ता आया है, ऐसा खबरें कहती हैं। कौन है आप देखिए, कब उनका तलाक सैफ से हुआ, क्या तमाम चीजें हैं अमृता को लेकर आज हिडन सीक्रेट में, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह, जो अपने जमाने में एक ऐसी एक्ट्रेस रह चुकी हैं जिनकी खूबसूरती और उनकी लाजवाब एक्टिंग का हर कोई दीवाना रहा है। जी हाँ, जहाँ पर अमृता सिंह की जिंदगी जो है काफी ही ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना भी करती आई है। जहाँ पर अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी की, तो वहीं सिख परिवार में जन्मी अमृता मशहूर लेखक खुशवंत सिंह की भतीजी हैं। 1983 में फिल्म बेताब से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। वहीं पर अमृता सिंह को पहली ही फिल्म में मिली एक ऐसी सफलता जिसने अमृता सिंह की सारी सीढ़ियां खोल दी, यानी कि उन्हें इतनी लाजवाब उस फिल्म में एक्टिंग की कि मानो हर कोई उनकी खूबसूरती का, हर कोई उनका दीवाना हो गया। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने अपने करियर में लगभग 50 फिल्में भी की हैं, जिसमें ज्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट भी साबित हुई। हर कोई जानता है कि अपने फिल्मी करियर में उन्हें सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम भी किया, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त, सनी देओल आदि के साथ उन्हें काम करने का मौका भी मिला। तो वहीं अपने फिल्मी करियर में उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। आपको बता दें कि साल 2002 में फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म से उन्होंने वापसी की। उन्होंने इस फिल्म में भगत सिंह की मां का किरदार निभाया था। उसके बाद 10 कहानियां, शूट आउट एंड लोखंडवाला जैसी फिल्मों में अमृता सिंह को देखा गया। तो वहीं 2014 में धर्म प्रोडक्शन की फिल्म टू स्टेट्स में वो दिखाई दी। ये फिल्म चेतन भगत पर आधारित थी। वहीं अमृता ने इस फिल्म में अर्जुन कपूर की पंजाबी मां का किरदार भी निभाया था। साथ ही साथ अमृता सिंह, जहां पर हमने पहले ही बात करी कि अमृता सिंह अपनी जिंदगी में जहां पर फिल्मी करियर में तो उन्होंने काफी ऊंचाइयां पाई, मगर अगर उनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ में उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जी हाँ, 1991 में अमृता सिंह ने 12 साल छोटे यानी कि सैफ अली खान से शादी की थी। तो वहीं उन्होंने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। साथ ही साथ इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जिसमें सारा और इब्राहिम का भी नाम शामिल। हर कोई जानता है कि सारा और इब्राहिम जो है सैफ और अमृता के
बच्चे हैं, मगर इसी बीच शादी के 13 वर्ष के बाद यानी कि 13 साल बाद 2004 में दोनों का तलाक हो गया। ये शादी सिर्फ 13 साल तक ही चली। साल 2004 में दोनों के बीच तलाक हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी पहली फिल्म की अपार सफलता के बाद बिंदास जिंदगी जीने वाली अमृता फिल्मों से जहां पर दूरी तो बना ली, मगर उनके नाम बॉलीवुड में तमाम सितारों के साथ भी जुड़े। देखिए, जहां पर उनका तलाक हो गया सैफ अली खान से, तो वहीं अमृता सिंह का नाम सनी देओल के साथ भी जुड़ता दिखाई दिया। जी हाँ, सनी देओल के साथ जहां पर उनका नाम जुड़ा, तो वहीं कहा जाता था कि सनी और अमृता की बॉन्डिंग जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद अमृता और रवि की एक मैगजीन छपी, जहां पर रवि के साथ अमृता का नाम जोड़े जाने लगा। वहीं पर जहां पर सैफ थे, सनी देओल थे, रवि थे, तो उसके बाद अमृता सिंह का नाम जुड़ने लगा विनोद खन्ना से। वहीं पे जहां पे अमृता सिंह का नाम सैफ अली खान से लेकर रवि से जुड़ा, रवि से लेकर सनी देओल से तक जुड़ा, उसके बाद अमृता सिंह का नाम जुड़ने लगा विनोद से। हालांकि उन्होंने शादी सिर्फ सैफ अली खान से ही की, जहां पर सैफ अली खान से उनका तलाक हो चुका है। और अगर अब की बात की जाए तो अमृता और सैफ जो है दोनों ही अलग अलग रहते हैं, मगर कहा जाता है कि अमृता का नाम भी बॉलीवुड में तमाम एक्टर के साथ जुड़ता आया है। जहां पर हमने आपको बताया ही सनी देओल के साथ भी उनका नाम जुड़ा, रवि के साथ उनका नाम जुड़ा, विनोद खन्ना के साथ उनका नाम जुड़ा, बॉलीवुड के तमाम सितारों के साथ अमृता सिंह का नाम जुड़ता रहा। साथ ही साथ ये देखा भी गया कि जब उनका तलाक सैफ अली खान से हुआ, तो उसके बाद सैफ और अमृता के दोनों बच्चे जो हैं अमृता सिंह के साथ ही रहते हैं। हालांकि मुलाकात होती है सैफ अली खान से जहां पर दोनों बच्चों की, मगर अगर बच्चों की परवरिश की बात की जाए तो बच्चों की परवरिश जो है आज भी अमृता सिंह करती दिखाई दे रही है। हिडन सीक्रेट में, जहां आज हमने खोला हिडन सीक्रेट अमृता सिंह का। अमृता सिंह आज भी मीडिया के कैमरों के सामने जब भी आती हैं, तब हर कोई उनका वो सिंपल अंदाज, सूट सलवार पहने हुए देखकर हर कोई काफी ज्यादा ही इम्प्रेस भी होता है। दरअसल यहाँ पर आपने जाना कि आखिरकार जब उन्होंने सैफ से शादी की और 13 साल बाद उनसे जब डाइवोर्स हो गया, तो अमृता का नाम तमाम हीरो से, तमाम अभिनेताओं से जुड़ता आया। अमृता सिंह ने बॉलीवुड में तमाम दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया। अमिताभ बच्चन से लेकर उन्होंने काफी बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ उन्हें बड़े पर्दे पर देखा गया। मगर अगर नाम जुड़ने की बात आए, ऐसा खबरें कहती हैं कि तमाम बारी उनके नाम जुड़ते आए हैं, तो यहाँ पर उनका नाम सनी देओल के साथ भी जुड़ा है, विनोद खन्ना के साथ भी जुड़ा है। साथ ही साथ आपने और भी जाना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही अमृता सिंह का नाम किन किन अभिनेताओं के साथ जुड़ता आया। यूं तो अगर आज की बात की जाए तो अमृता सिंह का जो उन्होंने तलाक ले लिया सैफ अली खान से, तो आज अमृता सिंह अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, जहां पर एक बेटी सारा है तो वहीं दूसरा इब्राहिम है। देखा गया है कि मम्मी के साथ दोनों बच्चे रहते हैं, मगर उसके बाद भी सैफ से और करीना से बच्चों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। जी हां, भले ही अमृता को ना देखा जाता हो करीना और सैफ के साथ, मगर हाँ बच्चों की बॉन्डिंग की अगर बात करें तो बच्चों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। आज हमने आपको हिडन सीक्रेट में अमृता सिंह की जिंदगी से जुड़ी तमाम चीजें बताएं कि आखिरकार जहां पर उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव रहे, तो उनकी जिंदगी का कुछ ऐसा भी पहलू है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।